नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं मिष्टान फूड लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, कंपनी ने दोस्तों क्वार्टर टू की जो फाइनल अनाउंसमेंट है डेट को लेकर वो कर दी है। फिलहाल दोस्तों आज मार्केट में फिर से जो तेज़ी है वो काफ़ी बड़ी नज़र आई है। साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम कंपनी में एक कमेंट से देखने को मिल रहे हैं कंपनी को लेकर कि टारगेट क्वार्टर टू के किस प्रकार के बन सकते हैं और मंडे को जो तेज़ी है किस प्रकार की आएगी या गिरावट का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, और अभी के टाइम हम लोगों को कितनी एंट्री जो फ्रेश होल्डिंग जो है वो अभी के टाइम बनानी चाहिए, और साथ ही साथ अभी के टाइम कंपनी को क्वार्टर टू के रिजल्ट्स में कितना प्रॉफिट बन सकता है। सबसे पहले दोस्तों अगर आज की ओपनिंग की अगर मैं बात करना चाहूँ तो 12.59 रुपये के साथ आज की ओपनिंग नजर आई थी। पर दोस्तों उसके पीछे अगर बड़ी जंप अगर देखी जाए तो 12.90 रुपये तक मार्केट में जंप हुए नजर आई थी। इस बीच क्लोजिंग की अगर बात की जाए तो 12.78 रुपये पर आज की क्लोजिंग देखने को नजर आई है। साथ ही साथ रिटर्न अगर देखी जाए तो दोस्तों 2.65% की रिटर्न पर बड़ी जो तेजी थी वो भी आज के मार्केट पर नजर आई है। पर इस बीच अगर लास्ट पिछले 5 ट्रेड को अगर देखते हैं तो उसमें गिरावट 2.22% की रहने वाली है। दोस्तों हाईएस्ट जो प्राइस है वो 13.09 रुपये तक यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। पर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के दोस्तों जो है पिछले 52 हाईएस्ट वीक की अगर प्राइस देखी जाए तो 15.10 रुपये तक यहाँ पे रहने वाली है। अगर कंपनी का दोस्तों रिटर्न अगर यहाँ पे देखा जाए 6 महीने की बात की जाए तो रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल अगर रहने वाला है, जो 66% का कंपनी ने यहाँ पे वर्तमान में पे आउट किया है। पर लास्ट 1 ईयर का अगर डेटा देखा जाए तो उसमें भी दोस्तों कंपनी लगभग देखा जाए तो 39% के आसपास कंपनी का जो रिटर्न है वो मल्टीबैगर रहने वाला है। और कंपनी ने दोस्तों कंपनी की जो क्वार्टर टू की जो फाइनल अनाउंसमेंट है 3 नवंबर को कंपनी का जो रिजल्ट है वो आप लोग को देखने को मिलने वाला है। शाम 4:30 बजे तक आप लोग को 4:30 बजे से पहले पहले आप लोग को जो डेटा है वो मिल जाएगा। पर दोस्तों अभी के टाइम आप लोग को मैं रेकमेंड करूंगा कि दोस्तों जितना हो सके अभी के टाइम फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। दोस्तों आज भी काफ़ी अच्छी बाइंग ऑर्डर मार्केट में देखने को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आज का कारोबार देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा देखने को नजर आया था। पर वर्तमान में दोस्तों कंपनी जो है डिविडेंड ऑलरेडी पहले ही कर चुकी थी, जो डिविडेंड था वो पहले अनाउंसमेंट हो चुका था। 10 पैसे का कंपनी ने अनाउंसमेंट यहाँ पे किया था जो पहले ही हो चुका था। दोस्तों अब किन किन को ये डिविडेंड मिलने वाला है मैं आप लोग को बता दूं कि 23 सितंबर पहले, जी हाँ दोस्तों 23 सितंबर पहले जिन्होंने दोस्तों बाय करके होल्ड यहाँ पे किया है उन्हीं को दोस्तों क्वार्टर टू में जो है डिविडेंड आप लोग को मिलेगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए वर्तमान में मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो जो वर्तमान का जो मार्केट कैप है दोस्तों 1280 करोड़ का देखने को मिलने वाला है। और कंपनी का पी रेशियो देखा जाए तो एक पॉजिटिव कंपनी का जो पी रेशियो होता है वो वर्तमान में मिष्टान फूड का होने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न यहाँ पे पे आउट किया है, लास्ट 6 महीने में जो रिटर्न पे आउट किया है, तो कंपनी आने वाले 3 से 4 साल में कितना पे आउट कर सकती है। तो मेरी एनालिसिस ये कहती है कि कंपनी का क्वार्टर टू का जो टारगेट है दोस्तों 15 रुपये से लेकर 18 रुपये के बीच में रहने वाला है। और साथ ही साथ मैं आप लोग को बताऊँ कि दोस्तों आने वाले 3 साल के अगर लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए तो कीमत जो होने वाली है वो कम से कम 240 रुपये प्लस के यहाँ पे बनने वाली है। शॉर्ट टर्म अगर 6 महीने की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में 20 रुपये प्लस को क्रॉस कर जाएगा 100% श्योरिटी के साथ। पर लॉन्ग टर्म वाला दोस्तों यहाँ पे 40 से बढ़कर 260 रुपये के बीच में आप लोग को जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों जितना हो सके मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा कि दोस्तों बाय करके यहाँ पे होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के हाथ में रहने वाली है बाय करने की। तो जितना हो सके बाय कर लेना। फिलहाल आप लोग को दोस्तों बेसिक जानकारी की और बेसिक फंडामेंटली को लेकर चलो, उससे पहले बता दो दोस्तों चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों अभी के टाइम कंपनी के चार्ट की अगर बात की जाए तो दोस्तों चार्ट संकेत जो है ऑलरेडी काफ़ी बड़ा देखने को नजर आ रहा है और पॉजिटिव भी देखने को नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम से लगातार जो कैंडल थी वो नेगेटिव देखने को नजर आ रही थी। अगर देखा जाए तो पिछले 4 कैंडल्स हम देख सकते हैं और उसके बाद अगर लास्ट 3 कैंडल्स की अगर बात की जाए तो उसमें जो तेज़ी है रिटर्न जो है वो काफ़ी अच्छे मल्टीपल अगर देखने को नजर आए हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आज की जो कैंडल्स अगर यहाँ पे जो बड़ी ग्रीन हो रही है तो इसका मतलब मार्केट में बड़ी बाइंग ऑर्डर लगी है, और जो जंप है दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा देखने को नजर आया है 12.90 रुपये तक। तो जितना हो सके दोस्तों अभी के टाइम हम लोग को बाय करके होल्ड रखने की जो आवश्यकता है वो काफ़ी बड़ी होने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि मंडे को एक बार फिर से जो बड़ी जो जंप है वो रहने वाली है, और अगर देखा जाए तो दोस्तों मार्केट में 13 रुपये तक की जो बड़ी जंप है मंडे को देखने को मिल सकती है। और अगर देखें तो बेसिक में अगर कंपनी के लास्ट 1 वीक के हिसाब से अगर मार्केट को रीड किया जाए तो उसमें आप लोग को पता चलेगा कि मार्केट में कंपनी जो है तेज़ी और उछाल जो है कब देखने को नजर आई थी। तो आप इस बात से देख सकते हैं कि दोस्तों कंपनी का जो कैंडल्स जो पैटर्न देखने को नजर आ रहा है वो
आप देखें तो दोस्तों कंपनी में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो कैंडल्स दोस्तों अभी टाइम लास्ट जो कैंडल देखने को नजर आई वो काफ़ी नेगेटिव भी देखने को नजर आई है 1 वीक के हिसाब से रीड किया जाए तो। पर उसमें देखें तो दोस्तों जो तेज़ी का जो संकेत है वो भी काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि सिंगल ट्रेड के अगर हिसाब से देखते हैं तो दोस्तों मार्केट में मंडे को बड़ी तेज़ी रहने वाली है, और 1 वीक के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में दोस्तों सेलिंग ऑर्डर बड़ा लगा है, तो ये सबसे बड़ी जो है नेगेटिविटी रहने वाली है। सेलिंग ऑर्डर के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और एक बार दोस्तों फिर से मैं बता दूं कि कंपनी का जो डेटा है दोस्तों 3 नवंबर को यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलने वाला है, तो कम से कम दोस्तों आप लोग को 3 नवंबर के पहले दोस्तों बिल्कुल भी सेल करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल दोस्तों आपकी नज़र में इस शेयर की और कोई बेसिक जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पैनिक स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना।